हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फ्लाई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, इसे हम ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि ब्लूप्रिंट होता क्या है। किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सभी टीचर्स को एक सा पेपर सेट करने के लिए एक ब्लूप्रिंट दिया जाता है। उसमें अलग अलग स्किल पे डिवाइड कर दिया जाता है कि इस स्किल पे इतने मार्क्स हैं और इस स्किल पे इतने। उसी के बेस पे सब टीचर्स पेपर्स को सेट करते हैं। ब्लूप्रिंट इसलिए दिया जाता है ताकि सभी टीचर्स का पेपर सेम रहे। कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम हो या कोई जनरल एग्ज़ाम हो, स्कूल का हो, यूनिवर्सिटी का हो, वहाँ पर पेपर को सेम रखने के लिए ब्लूप्रिंट दिया जाता है सभी टीचर्स को। हम आगे इसमें चेक करेंगे। आगे इसमें हमने दो पेपर बनाए हुए हैं, मैं वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगी किस तरह से ब्लूप्रिंट को देखते हुए एग्ज़ाम का पेपर तैयार किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने एक इंग्लिश का पेपर सेट किया है, एनुअल एग्ज़ाम 2019 एंड 2020, सब्जेक्ट इंग्लिश है, क्लास 8th है, टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 50। उसमें फिर एक नोट लिखा हुआ है, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, द मार्क्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस आर मार्क्ड इन फ्रंट ऑफ देम, थर्ड ड्रॉ अ पिक्चर इफ इट्स रिक्वायर्ड। उसके नीचे है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड मैनेजमेंट। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है नॉलेज के बेस पे जो क्वेश्चंस हैं, अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, स्किल के बेस पे। नॉलेज के बेस पे 3 तरह के क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप। इसी तरह से अंडरस्टैंडिंग के बेस पे भी हैं और स्किल के बेस पर भी हैं। अब जो नॉलेज के बेस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो 4 मार्क्स के हैं, शॉर्ट आंसर टाइप 2 मार्क्स के हैं, अंडरस्टैंडिंग के बेस पे ऑब्जेक्टिव 6 मार्क्स के, शॉर्ट आंसर टाइप 10 मार्क्स का है एंड लॉन्ग आंसर 11 मार्क्स का है। स्किल के बेस पे ऑब्जेक्टिव नहीं दिए गए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप 3 मार्क्स का है एंड लॉन्ग आंसर टाइप 14 मार्क्स का है।
जब हमने टोटल किया है, ऑब्जेक्टिव हो गए हमारे 10 मार्क्स के, शॉर्ट आंसर हो गए हमारे 15 मार्क्स के, एंड लॉन्ग आंसर हो गए 25 मार्क्स का। नीचे फिर उनका सबमिशन किया हुआ है कि नॉलेज के बेस पे हमारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, अंडरस्टैंडिंग के बेस पे 27 मार्क्स का, और स्किल के बेस पे 17 मार्क्स का। इस तरह से पूरा पेपर यहाँ पर सेट किया गया है। आगे आप चेक करेंगे तो पूरा पेपर सेट हो गया है। इसी तरह से हमने यहाँ पर दो पेपर को सेट किया है। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए।